एक बार फिर पहाड़ का जवान हुआ शहीद, अपनी ही गोली से निकली जान। 2 साल के बेटे के सिर से उठा पिता का साया, दहल उठा भारत माँ का सीना। पहाड़ में जब युवा जवानी की सर्फ में कदम रखता है तो उसका जुनून भारत माँ की रक्षा के लिए साफ तौर पर देखा जाता है। इसलिए पहाड़ से ज्यादातर युवा सेना में जाते हैं और भारत माँ की सरहद पर देश की हिफाजत करते हैं। कई सैनिक भारत माँ की हिफाजत करते हुए अपने प्राण भी त्याग देते हैं और जब जब देश की सरहद लहू मांगती है तो पहला कतरा हमेशा पहाड़ से ही गिरता है। लेकिन पहाड़ का जवान जो जम्मू कश्मीर में तैनात था, जिसका 2 साल का बेटा अपने पिता का घर आने का इंतजार कर रहा था, शायद किसी ने अंदाजा लगाया भी नहीं था कि जवान इस तरीके से घर आएगा कि लोगों की आंखें नम हो जाएंगी। दरअसल जम्मू कश्मीर में तैनात दीपेंद्र रावत कॉन्वे के दौरान अपनी ही बंदूक से निकली गोली से शहीद हो गए। दीपेंद्र पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल ब्लॉक के निवासी थे। परिवार को जैसे ही इस अनहोनी का पता लगा तो शहीद जवान की पत्नी ने हाथ पैर छोड़ दिए। शनिवार जब शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचा तो पूरा गांव गम में डूब गया। कोई ऐसे आंखें नहीं थी जो नम न रही हों। बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाओं से लेकर पुरुष तक अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे। शहीद जवान अपने पीछे 2 साल का मासूम और पत्नी को छोड़ गया। कुछ समय पहले ही शहीद जवान के पिता का निधन भी हुआ था, लेकिन परिवार पर एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मिली जानकारी मुताबिक शहीद जवान जम्मू कश्मीर में तैनात था। कॉन्वॉय के दौरान अपनी ही बंदूक से जवान को गोली लग गई और जवान ने मौके पर दम तोड़ दिया। दीपेंद्र की उम्र 30 वर्ष थी। दीपेंद्र सिंह रावत साल 2019 में नौगढ़वाल राइफल में भर्ती हुए। उनकी पत्नी और बेटा अकेला पड़ गए हैं। वहीं शहीद का पार्थिव शरीर पूरी यूनिट के साथ गांव पहुंचा और फिर शहीद को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई देते समय लोगों की आंखें नम थी। गांव और देश को हुई इस क्षति ने हर किसी को उखाड़ कर रख दिया है। परिवार खुद को संभाल नहीं पा रहा। सेना के अफसर और सैनिकों ने देश के इस वीर जवान को नम आंखों से विदाई दी। वीर शहीद को उत्तराखंड तक परिवार की ओर से श्रद्धांजलि। पौड़ी गढ़वाल से सिद्धांत दुनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।